हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह ये 6 बजे का टाइम है, मैं अपने पौधे में पानी दे रही थी और सुबह सुबह जो धूप निकलता है ना, धूप में खड़े रहने का बहुत मन करता है, तो मैं थोड़ी देर बाहर ही खड़ी रही थी बालकनी में। उसके बाद आई हूँ रूम पर और मैं अपने लिए कर रही हूँ गर्म पानी। तो हल्का गुनगुना गर्म पानी करूँगी, उसके बाद पानी को मैं बैठ के पीऊँगी। और आजकल ना हमें गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। इस मौसम में अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो आपका गला बैठ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर फीवर भी आएगा। तो गर्म पानी का हैबिट हमें अभी से बिठा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कभी ना सर्दी खांसी होगा ना गला बैठेगा। और आजकल तो फैन ऑन करोगे ना तो आपको ठंडा लगेगा और बंद करोगे तो गर्मी लगता है। तो इस वजह से रियान को भी सर्दी खांसी हो गया था और उसके साथ मुझे भी हो गया था। वैसे अभी तो थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सर्दी है। और ये सुबह मैं भासी झाड़ू मार रही हूँ, तो झाड़ू मारने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही बढ़िया सी एक डिश बनाऊँगी, वो देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज पनीर के पराठे, और इस पनीर के पराठे को मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी। तो पनीर को मैंने पहले कद्दूकस कर लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और फिर अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। और आटा को मैंने पहले से ही गूंद लिया था, अब मैं थोड़ा सा बेल के लोई को बड़ा कर लूँगी। और फिर मैं जो स्टेपिंग बनाई हूँ ये बीच में रख के अच्छे से ऊपर से इसके मुंह को सील कर दूँगी। और फिर जाके इसको दबा के जैसे ही आप पराठे को बेलते हैं वैसे ही सेम आपको बेलना है हल्के हाथ से। तो बहुत ज़्यादा दबा के मत बेलना, नहीं तो आप जो पनीर के स्टेपिंग डाले हो ना वो निकल जाएगा। तो हल्के हाथ से ही इस पराठे को बेलना और बड़ा करना। तो देखिए हमने पराठे को बेल लिया है, अब पराठे को हम सेक लेंगे। तो हमने तवे पर डाल दिया है पराठे को और एक साइड जब सिक जाए फिर इसको हम पलट देंगे। तो एक साइड देखिए हमारे पनीर के पराठे सिक गए हैं, अब दूसरे साइड पलट देंगे और इसके ऊपर से हम रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। और ऑयल लगाने के बाद फिर दूसरे साइड भी पलट देंगे और दूसरे साइड भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। और दूसरे साइड भी अच्छे से अगर पक जाए तो हमारे पनीर के पराठे बन गए हैं। सेम इसी तरीके से हमें सारे पराठे को बना लेना है। तो हमारा एक पनीर के पराठे बनके रेडी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सेम सारे पराठे को बना लीजिएगा आप। तो सारे पनीर के पराठे हमने एक एक करके सारे बना लिए हैं। तो आपको अगर ये पनीर के पराठे पसंद आए तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनाता है ये पनीर के पराठे। तो हस्बैंड की ब्रेकफास्ट रेडी है, तो यहाँ पे पनीर के पराठे साथ अचार और केचप दिया है। और रियान उसके पापा को दे रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए थाली। और फिर हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने रियान ने, और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। और फिर मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो देखिए दुर्गा पूजा नवरात्रि आ गया है, उससे पहले पहले हमारे घर को अच्छे से हमें साफ करना चाहिए। और हमारे घर पे ना बहुत सारे जाली हो गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था साफ करने का। और आज मैंने फाइनली सोच के रखा था सुबह से ही कि मुझे घर को साफ करना है। तो हस्बैंड जब चले गए ऑफिस उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया झाड़ना पोछना। तो घर में जाली अगर हो जाए ना तो अच्छा नहीं माना जाता है, कहते हैं घर की बरकत नहीं होती है और कभी भी घर पर पैसे नहीं रुकता है। तो इसीलिए
घर में कभी भी जाली नहीं रखना चाहिए। तो मैं जाली अगर है थोड़ा बहुत उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और आप सोच सकते हैं घर को अच्छे से अगर क्लीन करे, साफ़ करे, जाली वगैरह तोड़े ना, तो घर बहुत ही गंदा हो जाता है। तो बहुत ही गंदा हो गया था घर, फिर मैंने अच्छे से घर को झाड़ू मारा, फिर जाके पूरा डस्ट हो गया था, फिर अच्छे से क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह किया। और बेडशीट भी बहुत ही गंदा हो गया था, रियान लेटा था तो मैंने रियान को कुर्सी पे बिठा दिया है, और बेडशीट को भी मैं अच्छे से झाड़ के फिर जाके वॉशिंग मशीन में धो लूँगी। अब तो मुझे टेंशन भी नहीं है, कभी भी मैं कपड़े धो सकती हूँ, कभी भी कपड़े को सुखा सकती हूँ। पहले टेंशन रहता था, सुबह उठ के ही मैं कपड़े भिगो देती थी और दोपहर तक मैं कपड़े धो ही देती थी कि शाम तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। अब अगर मैं लेट भी हो गई ना, तो कभी भी मैं कपड़े धो सकती हूँ। तो मेरा एक प्रॉब्लम का हल तो ख़त्म हो गया, अब मैं कभी भी कपड़े सुखा सकती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे नया वाला बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि वो बेडशीट बहुत ही गंदा हो गया था। और बेड को भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह किया है, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था बेड, टीवी, तो ये सब अच्छे से मैंने साफ़ किया है। अब जितने भी मेरे कपड़े हुए हैं वो सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धोऊँगी। और आज मेरी वॉशिंग मशीन की पहली उद्घाटन आपके सामने ही होगा, आपके सामने ही मैं कपड़े धोऊँगी। तो चलिए आप भी हमारे साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने। तो मैं सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में भी लगा दूंगी। उसके बाद जो मैं प्याज, टमाटर, आलू रखती हूँ ना, वो वाली टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो वो टोकरी भी मुझे धोना है। और कपड़े लगाने के बाद ही मैं धोऊंगी। तो देखिए कितनी खुशी होती है जब अपने सामान जब लाओ और उसमें कपड़े डालो, धो, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और कपड़े मैं यहाँ पर धोने रख दूँगी और बाकी जो काम है वो भी कर लूँगी। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने, माँ बेटे ने नहा लिया, और नहाने के बाद मैंने कपड़े को ड्राई पे रख दिया था, तो मेरे कपड़े सारे ड्राई हो गए हैं। अब सारे कपड़े को मैं बाहर डाल के आऊँगी, इससे कि थोड़ा सा हवा लगेगा तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। और फिर जाके हम लोग लंच करेंगे, तो अभी तक लंच नहीं किया है। और ये सारा काम करते करते मुझे कम से कम 1.5 या 2 बज ही गया था। काम ही कर रही थी और अभी जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, और नहा धो के हम माँ बेटे तैयार हो गए हैं, अभी करूँगी लंच। तो आप जब भी क्लीनिंग वगैरह करने जाओ ना, तो एक के बाद एक काम निकलते जाता है और हम लोग सोचते हैं कि उसे भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ हुआ, मैं ये काम करते करते वो भी कर रही थी, तो काम निकलते जा रहा था। और नवरात्रि भी है परसों से, इसलिए ज़्यादा मतलब मैंने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह किया। और दुर्गा पूजा में तो हम घर साफ ही करते हैं, और देखते हैं शाम को हस्बैंड आने के बाद क्या बनाती हूँ। तो ये शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही थी डिनर। आज डिनर में मैं बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा। तो पकोड़ा की पहले तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, उसमें डाला है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है, और अपने हिसाब से इसमें मैंने डाला है बेसन और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला है। फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालेगा। और बैटर देखिए हमें सेम ऐसे ही रखना है, इससे जो आपके पकोड़े हैं वो अच्छे बनेंगे। अब हम कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये का मट्ठा लिया है, डाल दिया है बाउल में मट्ठे को। आपके घर में अगर मट्ठा है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच बेसन। तो बेसन बहुत ज़्यादा मत डालना और बहुत कम भी मत डालना, अगर
अगर बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपकी कढ़ी बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, अगर बेसन कम डालेंगे तो आपकी जो कढ़ी है वो बहुत पतली बनेगी। तो बेसन भी मीडियम ही डालना, ना कम हो ना ज़्यादा। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब पकौड़ा के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है, इसमें डाल देंगे पकौड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, इसलिए हमारे जो पकौड़े हैं वो धीरे धीरे फूलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो छोटे छोटे पकौड़े डाले थे ये फूल के डबल हो गए हैं। अब इसको हमें अलट पलट करके फ्राई कर लेना है, जिससे कि ये दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोनों साइड हमारे पकौड़े जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए, काफ़ी क्रिस्पी हो गए। पकौड़े को हम निकाल लेंगे। जिस तेल में हमने पकोड़े को तला था वो तेल हमने अलग से उठा लिया है, उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया सरसों का तेल। अब तड़के में हम डाल दें इसमें थोड़ा सा मेथी दाना, साबुत धनिया और जीरा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें सरसों डालेंगे, 4 सूखी मिर्च डालेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर जो हमने कढ़ी के लिए बैटर बनाया था वो देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब कढ़ी की बैटर को डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक चला लेंगे। और ये जब गाढ़े हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो देखिए हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसे हमें और 10 मिनट पकाना है, जिससे कि ये थोड़ा सा पक जाए और खाने में अच्छा लगे। तो इसको लगातार आपको चलाते हुए पकाना है, जिससे कि आपकी कढ़ी ना नीचे लग जाए। तो कढ़ी को हमने 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाया है। तो कढ़ी हमारी देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़ा और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और फिर से हम इसको 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि हमारी पकौड़ा भी सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट बाद देखिए हमारी जो पकौड़ा है वो भी सॉफ्ट हो गया है और कढ़ी भी गाढ़ी हो गई है। अब कढ़ी को हम बाउल में निकाल लेंगे। तो पकौड़ा हमेशा आप 5 मिनट पहले ही डालिएगा, इससे जो आपके पकौड़ा है वो खड़े के खड़े रहेंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए हमारी कढ़ी पकौड़ा कितना बढ़िया बना है। कढ़ी पकौड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और आज की ब्लॉग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।